हेलो दोस्तों, मैंने क्रूड ऑयल का एक लॉट लिया है और मैंने कॉल की साइड की तरफ का लिया है, पर अभी आप देख सकते हो कि ये ट्रेड माइनस में चल रहा है क्योंकि एक बड़ा सा फॉल आ गया और उसके बाद मार्केट इस तरह के पैटर्न बनाने लगा, जैसे यहाँ पे इसने ए बनाया है और फिर एक छोटा ए उसने बनाया है, तो इस तरह के पैटर्न्स मार्केट बना रहा है। तो जब भी मार्केट इस तरह के पैटर्न्स बनाता है उसका मतलब होता है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो लेवल है ये वाला, यहाँ तक मार्केट को आना था, यहाँ तक मार्केट को आना था, इस लेवल तक। इस लेवल तक मार्केट को आना था, तो मार्केट इस लेवल तक आ गया और इसको ब्रेक भी किया है इस लेवल को, तो अब चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है, अभी मार्केट क्लोज होने वाला है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो अभी 3 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है, तो इसलिए हम ये पोजीशन ओवरनाइट के लिए रख देंगे क्योंकि इसका एक्सपायरी 17 जन है, तो हमारे पास काफ़ी दिन है लॉस को रिकवर करने के लिए। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि प्रीमियम डिके होता है, तो जब मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ होता है उस समय आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो। तो पुट साइड की तरफ काफ़ी सारा ये गिर गया है, तो एक चांस है कि मार्केट उठेगा, तो ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप एक ट्रेड ले सकते हो ओवरनाइट के लिए। और स्ट्राइक प्राइस दूर का होने की वजह से इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता है ओवरनाइट लेने से भी, अगर स्ट्राइक प्राइस दूर का है तो। पर अगर इसमें प्रॉफिट आता है तो फिर आपको प्रॉफिट भी इसमें 1000-2000 आ सकता है मॉर्निंग में, जैसे ही मार्केट खुलता है तो, क्योंकि क्रूड ऑयल में एक लॉट का एक पॉइंट का आपको 100 रुपीज़ मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये लॉस भी थोड़ा थोड़ा कम मेरा हो रहा है, पहले वो 250 रुपये तक गया था, अभी 150 रुपये आ रहा है, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे लॉस कम होगा और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस भी आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जितना उसको स्टॉप लॉस लेना था मार्केट ने ले लिया है, अब उसको सी के साइड जाना होगा। तो देखते हैं मंडे क्या होता है इस ट्रेड में, और फिर मंडे को मैं और एक वीडियो बनाऊंगी क्रूड ऑयल के ऊपर। तो आज थोड़ा सा मार्केट स्लो मोमेंटम में था, ज़्यादा उसने कुछ खास मार्केट में दिखाया नहीं है, तो आप देख सकते हो एक बड़ा फॉल है, बट उसके अलावा मार्केट बहुत ही साइडवेज तो नहीं कह सकते हैं, पर धीमे धीमे करके थोड़ा सा नीचे आया और उसने पूरा स्टॉप लॉस ले लिया है और अभी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या होता है मंडे को।